हॅलो एव्हरी वन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल अँड दिस इज सीमा. हाय. आणि आम्ही चाललेलो आहे गोडा पॅगोडा टेम्पल. ते आता सीमा सांगू शकते ते कुठे जाणार, कसं जाऊ शकतो. देर आर टू वेज. एक अभी तो ये जा रहे कॅब से जो बडे लोक जाते रूट बाय रूट बाय रोड बाय रोड बस से भी जा सकते बट कुछ ज्यादा ही हो रहा है. और अगर आपको ट्रेन से जाना है तो यू हैव टू गो टू बोरीवली स्टेशन, देन फ्रॉम यू हैव टू टेक अ जेटी और फेरी. तो उसके ड्रॉप यू समथिंग 50 रुपीस पास है, अराउंड 50 टू 100 रुपीस. और हम लोग जो जा रहे जिस रूट से वो मत लीजिए. अमीरो वाला, हाँ अमीरो वाला रास्ता, अमीरो वाला कैब वाला ऐसी में बैठ के मत जाइए. अभी हमको 2 घंटे दिखा रहे. असं गेलं असं तर किती लागलं असतं? अराउंड 1 hour 1 hour 30 minutes. और अभी हमें दिखा रहे 2.5 घंटे. ठीक है, पहुँचने के बाद दिखाती हूँ क्योंकि ये सब पैक है, बाहर का कुछ दिखा नहीं सकते. ये सो फाइनली वी रीच टू ग्लोबल विपासना पैगोडा. एंड ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट स्टोन डोम है जो कि विदाउट पिलर्स से बना है. तो सपोर्टिंग पिलर्स इसको बिल्कुल भी नहीं है. एंड द हाइट ऑफ द डोम इज अप्रॉक्सीमेटली 29 meters विथ कैपेसिटी टू सीट अराउंड 8,000 मेडिटेटर्स. ग्लोबल विपासना पैगोडा हैज़ बिल्ट आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड टू सयागी युबाकिंग. एंड इसकी जो टाइमिंग है ये है मंडे टू संडे सुबह के 9 से शाम के 7 बजे तक. लेकिन 6:30 बजे ऑलमोस्ट दे स्टार्ट शाउटिंग टू कम आउट ऑफ द पैगोडा. और इसका इनॉग्रेशन हुआ था 9 फरवरी 2009 प्रतिभा पाटिल के हाथों. एंड इट्स सिचुएटेड अमॉन्ग द ग्रीन एंड द पीसफुल एनवायरमेंट ऑफ कोराई आइलैंड. इट्स ऑल्सो वन ऑफ द मस्ट विजिट टूरिस्ट स्पॉट्स इन मुंबई. और हाँ, एंट्री फीस तो बिल्कुल नहीं है. सो बेझिझक जाइए और घूमिए. ऐसा अगर मैं यहाँ गई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था यार मैं थाईलैंड में तो नहीं आ गई, और ये लग भी नहीं रहा है कि आई एम इन मुंबई. तो मस्ट विजिट प्लेस है गाइस, डू विजिट दिस. सो गाईज फायनली आलेलो आहे पॅगोडा. आणि ते पण आम्ही पोचलो कितीला, ऑलमोस्ट 5:30 आणि आता आम्ही बोलतच होतो की आम्ही सनसेटला पोचू. अँड दिस इज द सनसेट. एवढी ब्युटिफुल प्लेस आहे, मी फर्स्ट टाईम आले, मला माहिती पण नव्हतं. दिस इज द मेडिटेशन साईट आणि ऑल्सो दिस इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ महाराष्ट्र. सो लोकेशन असं आहे की हा गोराई आयलँडच्या इथे आहे. आणि तुम्ही 2 वेजनी येऊ शकता, जे मी आम्ही स्टार्टिंगलाच तुम्हाला सांगितलं होतं. एक तर वॉटर वेज आहे, बोरिवली स्टेशनपासून फेरी आहेत. आणि एक तर आहे ठाण्यावरून मीरा भाईंदर बसेस भेटतात आणि मग त्यापुढे तुम्ही लोकल बसेस घेऊ शकता. सी दिस प्लेस, थांबा दाखवते. तो गाइस वन मोर थिंग, यहाँ पे मेडिटेशन कोर्सेज होते हैं जो कि 10 दिनों के लिए होते हैं एंड वो बिल्कुल फ्री है. तो आइए दिखाती हूँ मैं अंदर का. तो ये इनसाइड ऑफ द मेडिटेशन डोम है एंड ये जो सामने सीट लगी है वहाँ पे मेडिटेशन कोर्सेज होते हैं. और अभी पता नहीं, फ़िलहाल के लिए तो मेडिटेशन बंद था, लेकिन या एवरी 10 मिनट्स के लिए मेडिटेशन क्लासेस होते जो सामने दिख रहा है ना वहाँ पर. तो यार जस्ट एन्जॉय दिस प्लेस.
हेलो तरह हा का शुट्टी मारतो सारखा सारखा हा सनसेट चाहिए आणि दिस इज सनकिस्ट सनसेट सनसेट दाखो तुम्हाला बट इकडचा आवाज ना इको होतोय बोल सी यू ना हा डोर आहे एंड दिस सनसेट मैन इतना ब्यूटीफुल सनसेट ना मैंने आज तक नहीं देखा एंड मुझे लगता है ना देर होती है ना तो हो जाने दो जो आपको एंड में व्यू मिलता है ना द एंड प्रोडक्ट होता है ना वो बहुत अच्छा होता है सो बिहाइंड द पगोडा देयर इज अ फूड कैंटीन और यहाँ पे बहुत सारे स्नैक्स की वराइटीज थी जैसे कि चाइनीज था वड़ा पाव समोसा सैंडविचेस और मैंने और मेरी फ्रेंड ने दो चाय और एक प्लेट समोसा लिए थे और यहाँ पे रेस्ट रूम भी है यहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हो स्टोर्स अवेलेबल थे जहाँ से किचन वगैरह खरीद सकते हो लेकिन यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं था दिस इज एंड ऑफ द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग लाइट्स ऑन हो चुके हैं अभी जाने का वक्त आ गया दिस इज 6:30 और हमें थाने पहुँचना है सो हमको निकलना पड़ेगा थैंक्स फॉर वॉचिंग ऐसे देखते रहिए वी विल ब्रिंग सच इंटरेस्टिंग वीडियो टू यू एवरी वीकेंड टू देन बाय बाय